एक अमेरिका में रहते हैं और एक कनाडा में रहती है, तो उनसे पूछते हैं कि अमेरिका और कनाडा में ईद कैसी गुजरती है। शायान, वेलकम टू द शो, ईद मुबारक। हमें बताएं कि यू बीन इन अमेरिका फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो उधर कैसे, हाउ डू कीप अप विद ट्रेडिशंस और ईद कैसे मनाते हैं उधर एट होम? देखें, अभी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं पाकिस्तानी, और जिस शहर में मैं रहता हूँ वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा माहौल है ईद का, लोग आ रहे हैं, घर जा रहे हैं, मेहंदियाँ भी लग रही हैं, शॉपिंग भी हो रही है, क्योंकि वहाँ पे अब कुछ स्ट्रीट्स हैं जिसमें सिर्फ हमारे पाकिस्तानी स्टोर हैं और लोग जाते हैं वहाँ पर। ईद पे यूजुअली क्या जैसे इधर इसी तरह मिलना मिलाना, और तीन दिन होते हैं बकायदा? भाई वही आपका जी, आप खाला के घर गए, आपने ब्रेकफास्ट की, फिर आप मामू के घर गए, आपने लंच किया, फिर आप किसी के घर गए, किसी, और अगर आपके मामू नहीं है तो खुद बनाना, फिर आप चाची के पास। मगर मैंने दो साल पहले मनाई थी, इट्स फैंटास्टिक, बहुत फेस्टिविटी के साथ। यही के शहरों की ईद में भी बड़ा फर्क है, मतलब आई रिमेम्बर हमारी पठान ईद इज कम्प्लीटली डिफरेंट है ना। बिल्कुल साहब ने ये आपने बोला, हमने आपसे पहले ही विश करा दिया था अपने पख्तून फैंस को, अगर आप यहाँ पर सो की ईद मनाई जाए, छोटी ईद में स्पेशली इस्लामाबाद में एवरीबडी स्लीपिंग कुछ, और उसके बाद वो आपको वो शीरमा खिला के तरखा देते हैं। हमारे यहाँ देगे बनती है, जल्दी जागते हैं, चांद रात होती है, तो बच्चे जो है ना 7 बजे से बाहर खेल रहे होते हैं, कपड़े भी गंदे करके आ चुके होते हैं, तीन दिन के कपड़े बड़े भी होंगे, ये ईद में बच्चे किराए पे लेके आते हैं। यार वैसे गुड आइडिया, आइडिया बुरा नहीं है। आपने अपने पख्तून ऑडियंस को प्लीज विश करना है। नहीं, मैं कह रही हूँ हमें किराए पे बच्चे लाने की, दो दफा इग्नोर कर दिया सुंदर से, हमारी बात बच्चे होते हैं, दो दफा इग्नोर कर चुके हैं सुंदर से। नहीं, आप पख्तून ऑडियंस को प्लीज, आप तीन दफा कह विश, मैं बार बार उन्हें विश कर रही हूँ यहाँ पख्तून ऑडियंस के लिए। नहीं मतलब हम चाहते हैं कि आप अख्तरुम बरक, वाह वाह, किसी को समझ नहीं। पश्तो तो नायाब को भी आती है शायद, नायाब भी स्पीक पश्तो, लाइक लाइक कोई कोई दैट्स नॉट, दैट्स नॉट, दैट्स नॉट नहीं, माय डैड, ओह अच्छा, तो नाइस, माय मॉम इज पंजाबी और पापा पठान, कैसे ये कैसे हुआ पता नहीं। अच्छा, मुझे मैरिज, सो मुझे बड़ी खुशी होती है किसी को अपनी जुबान याद होती है, अदरवाइज बहुत सारे पठान मिलते हैं, मैं नायाब को नहीं समझती हूं, ये पठान नकली, मैं मानती नहीं हूं कि वो 3 साल 3 या 4 साल की थी, शी बीन इन कनाडा टू फॉर हर लॉन्ग लैंग्वेज। अच्छा, नायाब, टेल अस अबाउट कनाडा, कनाडा में कैसी ईद होती है? कनाडा में नॉट इस तरह इतने मजे की नहीं होती जितने मजे की पाकिस्तान में ईद हो रही है। मेरी पहली ईद है तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। कनाडा में हम उठते हैं, नमाज पढ़ने चले जाते हैं, वहाँ पे लड़कियाँ भी जाती है नमाज पढ़ने, बिकॉज वहाँ पे कुछ करने के लिए नहीं होता है, उसके बाद फिर अपने फ्रेंड्स वगैरह के घर। दैट्स गुड, जब कुछ करने का ना हो तो नमाज पढ़ो। उधर ईद पे भी जाती है, सारे जाते हैं, टर्की खवातीन फिर बाकी ईद के दिन पे क्या होता है? फिर उसके बाद हम अपने फ्रेंड्स के घर जाते हैं, वहाँ पे वन डिश पार्टी होती है ओपन हाउस की, जब मर्जी जो मर्जी आता रहे पूरा दिन, सो everybody has an open house, तो एक टाइम पे नहीं जाते, आपको जब टाइम मिला आप आ जाओ। अच्छा, तो प्रॉपर 3 दिन लगते हैं कि ईद के हैं या दूसरे दिन याद रहना पड़ता है? 2 days होते हैं, I think basically, not 3 days. और मेहंदी वहाँ पे बड़ी अच्छी लगती है, वो व्हाइट वाली मेहंदी जो है ना बड़ी इन है फैशन में, अब यहाँ पे पता नहीं कब आएगी, आई थिंक ना भी छुट्टी, यहाँ पे तो बहुत ही अच्छे स्टाइल होते हैं, व्हाइट मेहंदी मेरे ऊपर तो नजर ही नहीं, आई श्योर मेरे ऊपर नजर ही नहीं, मेहंदी हाँ हाँ बड़ी खूबसूरत लगती है, आपका इशारा बुलवारी की तरफ, लेकिन नाज़रीन मजे मजे की बातें चलती रहेंगी और मजे मजे की गेम्स भी चलती रहेंगी, लेते हैं यहाँ एक छोटी सी ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर।